झुंझुनू के चिड़ावा में 12 वर्षीय बच्चे को किडनैप करने का प्रयास किया गया। बाबाओं ने किया बच्चे को किडनैप करने का प्रयास। शहर की अड़ताविया कॉलोनी में स्कूल की छुट्टी के बाद उठाने का प्रयास किया गया है। बच्चे के चिल्लाने पर मौके से बाइक पर फरार हुए दोनों आरोपी, लोगों ने साधु के वेश में 6 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। हालांकि घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने पहुंचे और घटना पर आक्रोश जताते हुए संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की मांग की गई है। नागौर जिले के विभिन्न इलाकों से भिक्षावृत्ति के लिए आए हुए हैं साधु। चिड़ावा से निजामपुर की ओर जाने वाले रास्ते में डेरा डाला हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस तरह के सभी डेरे वालों की जानकारी लेकर तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए साधु से गंभीरता के साथ पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल फरार हुए साधुओं की तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम को भेजा गया है। झुंझुनू के चिड़ावा में 12 वर्षीय बच्चे को किडनैप करने का प्रयास किया गया। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी सतर्कता की वजह से बच्चे का किडनैप नहीं हो पाया। बाबाओं ने बच्चे को किडनैप करने का प्रयास किया। शहर के अड़ावतिया कॉलोनी में स्कूल की छुट्टी के बाद में साधुओं के द्वारा इस छोटे बच्चे को उठाने का प्रयास किया गया है। बच्चे के चिल्लाने पर मौके से बाइक पर फरार हुए हैं दोनों आरोपी। लोगों ने साधु के वेश में 6 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से लोगों के अंदर आक्रोश है और आक्रोशित लोग पुलिस थाने पहुंच गए हैं। घटना पर आक्रोश जताते हुए संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की मांग की गई है। नागौर जिले के विभिन्न इलाकों से भिक्षावृत्ति के लिए ये सभी साधु आए हुए हैं। चिड़ावा से निजामपुर की ओर जाने वाले रास्ते में सभी के द्वारा डेरा डाला हुआ है। पुलिस अब इस तरह के सभी डेरे वालों की जानकारी लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल पकड़े गए साधुओं से पूछताछ के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और देखिए सीसीटीवी फुटेज भी लगातार खंगाले जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं और साधुओं की तलाश की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वो सभी साधु हैं जिनसे की पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, 12 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसको कि किडनैप करने का प्रयास किया गया और इसी वेश के अंदर जो आरोपी थे वो मौके पर पहुंचे थे और किडनैपिंग का प्रयास किया गया था। हालांकि बच्चे के चिल्लाने पर वे मौके से फरार हो गए।